बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब है। काफी गंगा नदी में उफान की वजह से मुंगेर में कई गांवों में पानी भर गया है। कई गांवों में सैकड़ों एकड़ में फैली फसल पानी में डूब चुकी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया है। इस दौरान एमपी के भोपाल में केरवा डैम से अचानक छोड़े गए पानी के बीच लोगों की जान आफत में फंस गई, जिसकी जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और फायर ब्रिगेड के दो जवान अपनी जान जोखिम में डालकर फंसे हुए दोनों लोगों को बचाने में जुट गए। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि ये दोनों लोग मछली पकड़ने पहुंचे थे। देखिए किशोर, एक दिन बाद यानी परसों 22 तारीख को दिल्ली में कांग्रेस एक बड़ा प्रोग्राम कर रही है। राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर, 75वें जन्मदिवस के अवसर पर, और क्लीन इमेज जो उनकी थी और भारत को प्रगतिशील बनाने की जो उनकी मिस थी उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है एक नैरेटिव सेट करने की। लेकिन दो दिन पहले ठीक जिस तरह से पी चिदम्बरम के लुका छिपी खेल रहे हैं, वो घर पर नहीं मिल रहे हैं और CBI उनके पीछे, ED उनके पीछे, इस तरह से एक जो करप्शन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बिगुल बजाया जिस तरह के दावे करती है बीजेपी, उसको जरूर मौका मिल गया। और कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप में खलबली की बात एकदम सही है, क्योंकि टॉप लीगल माइंड्स जो है कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, ये सब लोग काफी देर तक बैठक करते रहे चिदंबरम के साथ, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल उनको मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, इस बीच अगर चिदंबरम की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर उनको बेल एप्लीकेशन मूव करना होगा। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो बीजेपी एक तरह से आरोप लगाती है कि करप्ट होने का, वो प्रूफ भी हो जाएगा एक तरह से। और कोर्ट की जिस तरह से ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह की कोर्ट ने टिप्पणी की है और चिदंबरम के बारे में जो कुछ कहा इस केस में, उसको लेकर पार्टी के अंदर मंथन है, खलबली है कि किस तरह से उसका बचाव किया जाए। जब से यह खबर आई है, गुलाम नबी आजाद वहां से आए थे कश्मीर से, उन्होंने एक टिप्पणी जरूर दी थी, उसके बाद से पार्टी के अंदर मंथन हो रहा था और कोई इस नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं था। सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी, चूंकि कोर्ट में उन्होंने इस दलील पेश करने की तैयारी की थी, इसलिए उन्होंने बाइट दी और बात की मीडिया से। अब से कुछ देर पहले आनंद शर्मा भी सामने आए, तो देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी इस ताजा हालात से जो उसके ऊपर चार्ज लग रहे हैं करप्शन के, उससे कैसे निपटेगी और छवि एक बनाने की जो कोशिश थी वो कैसे आगे लेके जाएगी। जी हां, वैसे आज पूरे दिन कांग्रेस में खलबली मची रही, एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता गया। सबसे पहले बैंक से धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने रतुल पुरी को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। दूसरी ओर चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई। इसी बीच खबर आई कि कर्नाटक में, जैसे नीरज ने बताया, कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिवकुमार के करीबी शोभा डेवलपर्स के कई ठिकानों पर छापे मारे गए। शोभा डेवलपर्स के दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। कांग्रेस में मची इस